हाय व्यूअर्स, मैं वानी हेल्दी बिट से। आज की जो रेसिपी है दैट इज़ होल व्हीट ब्रेड। ये देखें कितनी टेम्पटिंग ब्रेड बनी है, बहुत लाइट एंड फ्लफी। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। तो आज की जो रेसिपी है बिल्कुल सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाई गई है, वो सामान जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल होता है। परफेक्ट ब्रेड रेसिपी है, अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी एक परफेक्ट ब्रेड बनेगी अगर जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगी आप उनको फॉलो करेंगे तो, विदाउट एनी केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम 1 कप वॉर्म वाटर ऐड करेंगे एक बोल में, 2 टेबलस्पून चीनी, कोई भी चीनी हो, ब्राउन शुगर या हनी, 2 टेबलस्पून ऑयल है, मैंने सेसमे ऑयल लिया है, एंड 10 ग्राम्स ईस्ट है, ये ड्राई ईस्ट है। अगर कोई भी ईस्ट हो आप पहले उसे एक्टिव ज़रूर कर लें, मतलब प्रूफिंग ऑफ ईस्ट बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसको 5 to 8 मिनट्स के बाद ही ऐसे फ्लफी सा हो जाएगा, एयरी हो जाएगा, दैट मीन्स ईस्ट एक्टिव है यूज़ करने के लिए। 2.5 कप गेहूं का आटा है, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, वो चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं उतना नमक है। तो ये जो ईस्ट है प्रूफ्ड ईस्ट वो ऐड कर दिया मैंने इसमें, एंड इसमें मैं अब 3/4 कप वॉर्म वाटर और ऐड करूँगी। तो जब भी आप ब्रेड के लिए पानी ऐड करें तो वो वॉर्म होना चाहिए, उससे जो हमारा ईस्ट है वो एक्टिव ही रहेगा। तो अब मैं आटे को हाथ से गूंदूँगी। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमेशा आटे को 10 से 11 मिनट अच्छे से नीड करें एंड आटा थोड़ा स्टिकी बनाएं। ये देखें सॉफ्ट एंड स्टिकी आटा होना ज़रूरी है, इससे ब्रेड लाइट एंड फ्लफी बनती है। अगर हम इसको डेंस कर देंगे, आटे को थोड़ा हार्ड कर देंगे, तो हमारी ब्रेड लाइट नहीं बनेगी। तो आटे को थोड़ा स्टिकी करके अराउंड 10 to 11 मिनट्स आराम आराम से थोड़ा थोड़ा फ्लोर डाल के आप अच्छे से अंदर की साइड टक इन करते हुए नीड करें 10 to 11 मिनट्स। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो ये नो प्रिजर्वेटिव नो केमिकल ब्रेड, घर में हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है, ना ज़्यादा ऑयल है ना ज़्यादा शक्कर है, तो बहुत हेल्दी ब्रेड बनी। तो लास्ट में जब 10-11 मिनट हो जाएं, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैंने इसको 2-3 मिनट और नीड कर लिया है आटे को। ये देखें ये ऐसे अब रेडी हो गया है। तो ये एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इससे ग्लूटेन एक्टिव हो जाता है एंड डो अच्छे से राइज करेगा एंड ब्रेड्स लाइट एंड फ्लफी बनेंगी। तो इसलिए 10 से 11 मिनट नीडिंग करना बहुत ज़रूरी है ग्लूटेन को एक्टिव करने के लिए। अब मैं इसको ढक के फर्स्ट राइज के लिए रख दूँगी। इसको अराउंड 1.5 आवर लगा, मैक्सिमम 3 आवर लगेगा अगर आपका ईस्ट एक्टिव है। टेम्परेचर को देखते हुए मैक्सिमम 3 आवर्स तक आपका डबल राइज हो जाएगा आटा। तो इसको अब मैं अच्छे से अंदर के साइड टक इन करते हुए दोबारा से 1 से 2 मिनट नीड करूँगी, ताकि जो एयर बबल्स बन गए हैं आटे में राइज होने की वजह से वो सब हट जाए एंड जो हमारा ब्रेड है वो इवन बने। तो ज़्यादा नीड नहीं करना, सिर्फ 2-3 मिनट मैक्सिमम। तो मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लिया है एंड अंदर की साइड इसको टक इन करते हुए नीड किया, ताकि ब्रेड को शेप भी मिल जाए साइड बाय साइड। आपको इसको रोलिंग पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आटा सॉफ्ट है तो हैंड से भी वो शेप में आ जाएगा। तो ये इसको हमने ऐसे टक इन करना है। तो 2 स्टेप ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप है कि हम प्रूफिंग ऑफ ईस्ट ज़रूर करें, ताकि हमें पता रहे कि हमारी ईस्ट एक्टिव है। अगर वो नहीं है तो आटा सब मेहनत वेस्ट हो जाएगी। एंड दूसरा स्टेप, हमने 10 से 11 मिनट फर्स्ट राइज से पहले आटे को अच्छे से नीड करना है, ताकि ग्लूटेन एक्टिव हो जाए। अब देखें ये रेडी हो गया आटा, 2-3 मिनट हो गए नीड करते हुए। तो बेकिंग ट्रे पे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर लगा के भी उस पर थोड़ा ऑयल लगा दिया है एंड अब ये सेकेंड राइस के लिए मैंने 45 मिनट्स के लिए रख दिया। 45 मिनट्स से 1 आवर बहुत होता है, ये डबल हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें एयर फूल गया है आटा। तो इसको अब मैं
मिल्क वॉश करूँगी। मिल्क वॉश से क्या है, जो ऊपर जो आपने देखा था ना ब्राउन कलर की, अच्छे से सिक जाती है, ब्राउनिंग ऑफ ब्रेड अच्छी हो जाती है। आप चाहें तो एग वॉश भी कर सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप मिल्क वॉश ज़रूर करें। अगर आप मिल्क वॉश नहीं करना चाहते तो वाटर वॉश भी कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं। तो मैंने कट्स लगाए हैं ताकि अच्छे से अंदर से सिक जाए। एंड सेसमे तिल, सफ़ेद तिल ऐड किया है, ये देखें। अब मैं इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 से 30 मिनट्स लगेंगे इसको अच्छे से ब्रेड को बेक होने के लिए। ये देखें ये रेडी है, अभी मैंने निकाला। और निकालते ही उसमें सबसे पहले आप बटर लगाएं ताकि जो ब्रेड है वो एक बहुत अच्छी महक खुशबू आएगी एंड बहुत टेस्टी एंड फ्लफी सॉफ्ट रहेगी आपकी ब्रेड। तो 10 मिनट के बाद मैं इसको डीमोल्ड कर लूँगी, नहीं तो नीचे सॉगी हो जाएगी, पानी आ जाएगा ब्रेड में। तो 10 मिनट के बाद डीमोल्ड कर लें एंड इसको रैक पे रख दें एक दो घंटे के लिए ताकि ये अब ठंडी हो जाए। ढककर ब्रेड को रख दें, फिर आप इसको पीसेस में कट कर लें। तो आपका ब्रेड, हेल्दी ब्रेड रेडी है घर में। आप ज़रूर ट्राई करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।